दिस इज़ नीलेश, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड दिस टाइम हेलो फ्रॉम इराक। यहाँ पे है ना, थोड़ा सा भी ऐसे वॉक कर लो तो सांस चढ़ जाती है बिकॉज वी आर एट अराउंड 14-15,000 फीट। आज का जो दिन है वो रेस्ट एंड एक्सप्लोरेशन डे है, तो मैं सोचा कि आज यहीं एक्सप्लोर कर लेते हैं और फिर कल निकल जाएंगे वापस कारू या ले के लिए। आज का प्लान ऑफ एक्शन कुछ नहीं है एज यूजुअल, रोज़ की तरह आज रील्स वगैरह के लिए थोड़ा वीडियो शूट करूँगा। एंड अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, गो देयर एंड फॉलो, एंड जो रील्स वगैरह सारी शूट हुई है वहाँ पे दिख जाएगी ओवर द टाइम बीइंग। बाकी होप आई होप सबको ये एक्सट्रीम नॉर्थ की सीरीज़ पसंद आ रही हो, बड़ी मेहनत करके बना रहा हूँ मैं ये पूरी सीरीज़। और अगर पसंद आ रही है तो हर एक वीडियो पे जाके कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो जितना कर सकते हो। एंड एनीवेज, ये वाली जो पीक दिख रही है, ये वाली ये है ब्लैक टॉप, एंड ये लास्ट ईयर चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखी थी। तो जिस होम स्टे में मैं रुका हूँ वहाँ पे मैंने उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा, क्या हुआ था आप लोगों के साथ, आपने क्या क्या किया, अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या क्या किया, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी। तो उन्होंने यही बताया कि दे बेसिकली यूज़ टू प्रोवाइड फूड टू इंडियन आर्मी विंटर्स में, पूरे विंटर उन्होंने खाना और राशन प्रोवाइड करा है। तो उस साइड से पूरा फिंगर 6-7-8 शुरू हो जाता है और उस साइड चुशुल भी आ जाता है। एंड उसने नमग्याल ने मेरे को बताया कि उसका एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक रात वो लोग वापस घर आ रहे थे या रास्ते में ही थे कुछ, तो ब्लैक टॉप से जस्ट लेफ्ट वाले जो पहाड़ है उस साइड से मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ रात को आ रही थी, उन लोगों को लगा कहीं आग वाग लग गई है, पर कम से कम 15-20-25 गाड़ियाँ की हेडलाइट, ऑब्वियसली यहाँ तो पूरा अंधेरा होता है, दूर से भी कोई गाड़ी आ रही होती है तो हेडलाइट से तो पता ही लग जाता है कौन है। तो वो पूरा चाइनीज़ आर्मी का कॉन्वॉय था जो कि वो रोड से आ रहा था। ऑनेस्टली उसने बताया कि उस टाइम पे डर गए थे, ऑब्वियसली कोई भी डरेगा यार, अगर बॉर्डर के पास रह रहे हो और सडनली ऐसे एक रात को तुम लोग को देखने को मिलता है कि 20-25 गाड़ियाँ आर्मी की आ रही है, और ख़ुद की आर्मी की भी नहीं, दूसरी कंट्री की आर्मी की, तो वो एक अलग ही सिचुएशन थी। बस वो उनका एक्सपीरियंस था, वो मेरे को शेयर करना था तो मैंने शेयर कर लिया वो, बाकी जिसको जैसे जो समझना है वो समझ सकता है। तो मैं दिखाता हूँ ये वाला जो पहाड़ है, या ये वाइट वाला बीच में दिख रहा है, ये पोस्ट टाइप, ये पोस्ट और ये पोस्ट, तो इस साइड से आ रही थी 20-25 गाड़ियाँ इस तरफ, इस विलेज की तरफ। लकीली एवरीवन इज सेफ, कुछ हुआ नहीं। तो अभी चलते हैं लोकेशन से, मेरे को एक्चुअली फेक ड्रोन शॉट भी लेना था पर मेरा कट चुका है क्योंकि मैं डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था एंड मेमोरी कार्ड जो है वो कार्ड रीडर में ही रूम में रह गया तो 2-3 शॉट्स और लेने हैं यहाँ के, जो कि व्लॉग के लिए, रील्स के लिए तो ले चुका हूँ मैं, तो फिर वापस आना पड़ेगा यहाँ पे।
इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताओ कि फेक ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे कि नहीं लगे, कि लग रहा था कि वो एक्चुअल ड्रोन है कि नहीं है। तो बस अभी सनसेट हो गया है, अपना सीवकथॉर्न का जूस चल रहा है, लास्ट 15 दिन से चल रहा है ये। तो बस जूस पीऊँगा, सनसेट इन्जॉय करूँगा और फिर उसके बाद होगा असली मज़ा शुरू। चलो इसी के साथ ये व्लॉग को एंड करते हैं और मिलता हूँ ऐसे ही किसी अगले व्लॉग में।